अपनी बीवी बच्चों के साथ अपने घर आया, अपनी माँ कहने मैं माँ बुढ़िया हूँ, हार्ट की मरीज हूँ, मेरे 3 दिन स्टैंड पड़े, मुझसे दो कदम रास्ता नहीं चला, मुझसे बोला नहीं जाता, 5-5 बेटियां हैं मेरी, एक बेटी बंबई में है, 4 यही है। भाई की शादी में पाकिस्तान गई महिला पति और बच्चों के साथ फंसी, पति बच्चों सहित पाकिस्तान में फंसे होने से रामपुर में परिवार का रो रो कर बुरा हाल, मोदी जी से लगा रहे मदद की गुहार। सरहदें कभी रिश्तों पर भारी पड़ जाती है और कभी तो रिश्तेदारियां निभाने के चक्कर में ऐसा फंस जाता है कि अपने घर लौटना संभव नहीं हो पाता। ऐसा ही कुछ मामला रामपुर में देखने को मिला, जहां एक व्यक्ति पाकिस्तानी युवती से सन 2007 में शादी कर पत्नी बनाकर अपने घर रामपुर ले आया, पत्नी को लॉन्ग टर्म वीजा मिल गया और तब से वे उसके साथ रह रही थी। इस बीच उनके 3 बच्चे भी हुए, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पाकिस्तानी विवाहिता महिला के भाई की शादी में शरीक होने पति पत्नी और बच्चे पाकिस्तान चले गए। इसके बाद से पूरा परिवार पाकिस्तान में ही फंस गया। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पिछले 2 साल से वे भारत आने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहे लेकिन आ नहीं पा रहे। रामपुर में पति की माँ बहनों का रो रो कर बुरा हाल है और मोदी जी से मदद की गुहार लगा रहे। रामपुर निवासी माजिद हुसैन की शादी पाकिस्तान निवासी ताहिर जबी से हुई थी, जिसके बाद ताहिर जबी 2007 में लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत आई थी। शादी के बाद माजिद हुसैन के 3 बच्चे हुए और अब वर्ष 2022 में ताहिर जबी अपने भाई की शादी में अपने पति और 3 बच्चों के साथ नूरी वीजा पर मायके पाकिस्तान गई थी, लेकिन किसी कारण से वीजा के 2 दिन निकल गए जिसकी उनकी वीजा खराब हो गई और अब वे 2 साल से वहीं पाकिस्तान में फंसे हुए। अब दोबारा वीजा नहीं मिल पा रहा है। यहाँ रामपुर में उनकी माता और बहने सहित तमाम रिश्तेदारों का परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। शादी करी थी मेरी नन की लड़की है जिससे मैंने शादी पाकिस्तान में, 2 बेटे हैं मेरे, एक माहिर हुसैन एक माजिद हुसैन। माजिद हुसैन की शादी पाकिस्तान से करी, मेरी नन की बेटी है वो, मेरी नन की ख्वाहिश थी कि मैं अपने भाई के घर दूँ अपनी बेटी, तो मैंने उनकी खुशी पूरी करी थी, शादी करके लाई मैं। एक बेटे की शादी मेरी यही रामपुर में, अब उसके भाई की शादी थी, मायके की बेटी है, होता है आना जाना लगा रहता है, भाई की शादी में गई थी, 30 दिन की वीजा लेके गई थी, नूरी वीजा पे गए हैं, वहाँ पता नहीं क्या हुआ उनकी किस बात से 2 दिन वीजा के निकल गए, 2 रोज उससे वो वहाँ अटक गई। मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, गिरनून में पढ़ते हुए गए हैं, 8वीं क्लास में गए हैं, इतनी इतनी महंगी फीस जमा करिए बच्चे अपने बच्चों के लिए, पता नहीं क्या हुआ, जब से आने की बहुत कोशिश कर रहा है मगर उनकी वीजा नहीं लग रही है, वहाँ से उनको इजाजत नहीं मिल रही है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चे मेरे घर आए, मेरा बच्चा वहाँ बहुत परेशान है माजिद आने के लिए, कि मैं किसी सूरत से चला जाऊँ मगर उनकी वीजा नहीं लग रही है, उनको आने की इजाज़त नहीं मिल रही है, मेरी बहू को नहीं मिल रही है, वो आएगी तो वो भी आएंगे, मेरे बच्चा अपनी बीवी बच्चों के साथ अपने घर आए, अपनी माँ कहने मैं माँ बुढ़िया हूँ, हार्ट की मरीज हूँ, मेरे 3 दिन स्टैंड पड़े, मुझसे 2 कदम रास्ता नहीं चला, मुझसे बोला नहीं जाता, 5-5 बेटियां हैं मेरी, एक बेटी बंबई में है, 4 यही है, 5 बेटियां, आदमी मेरा कपड़ा मर गया, मैं बेवा औरत हूँ, बच्चे भी हूँ, बच्चे सारी कहानी मेरी। मम्मा आप सरकार से आपने गुहार लगाई थी? जी लगाई थी, यहाँ से भेजे हैं जी, जो जो उन्होंने कहा भेजो वो भेजे, अल्लाह वाले से मेरा बेटा गया माहिर, वो बताएगा ये सब जो जो उसने भेजा। ये शादी कब करी थी बेटे की आपने? 2007 में। पोता पोती कितने हैं आपके? 3 हैं, 2 पोते 1 पोती। अभी साले की शादी में पाकिस्तान गए थे तो ये कब गए थे? 2022 में, 2 साल हो गए जी, अक्टूबर के महीने में गए, 4 अक्टूबर को घर से गए, मुझे वो दिन तारीख याद जिस दिन घर से निकले। अब जब आपके बेटे से बात तो होती होगी आपकी? जी फोन आता है, बात होती है, बहुत परेशान होता है, कहता है मुझे मैं यहाँ फंस गया, मुझे बुला लो, मैं फंस गया, अपनी जान खोने तक को तैयार कर दिया, मैं अपना कुछ कर लूंगा, मैं यहाँ फंस के रह गया, बहुत परेशान है वहाँ पे। आप क्या चाहती हूँ? मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चे बहू पोती पोता मेरा बेटा मेरे घर मेरे पास आए, अपने घर आए, अपने वतन आए,